अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकार क्रिकेट शो पर खुश आमदीद। आपके साथ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि एशिया कप 2022 से एक बड़ा खिलाड़ी जो है वो बाहर हो चुका है, रूल्ड आउट हो गया है इंजरी की वजह से। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम को बहुत बड़ा धचका लगा है सुपर फोर से पहले, क्योंकि भारत के सुपर स्टार ऑलराउंडर रविंदर जडेजा जो है वो कोहनी की इंजरी की वजह से एशिया कप 2022 से बाहर हो चुके हैं। पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई थी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब 4 सितंबर को मैच होगा तो रविंदर जडेजा की जो कमी है वो भारतीय टीम को ज़रूर महसूस होगी। तो ये बहुत बड़ा धचका लगा है भारत की टीम को। रिप्लेसमेंट भी अनाउंस कर दी गई है इनकी, अक्षर पटेल ने रिप्लेस किया है रविंदर जडेजा को, वो भी लेफ्ट आर्म ऑलराउंडर है और उसके अलावा लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज भी हैं। तो बहरहाल रविंदर जडेजा फील्डर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के थे, गेंदबाज बल्लेबाज लाजवाब किस्म के एफर्ट करते थे रविंदर जडेजा। बहरहाल भारत की टीम को बहुत बड़ा धचका लगा है सुपर फोर से पहले, क्योंकि अभी तो बहुत ही ज़्यादा टूर्नामेंट के अंदर भारत की टीम ने मैचेस खेलने थे और उनको ये बहुत बड़ा धचका लगा है रविंदर जडेजा की सूरत में। तो रविंदर जडेजा की जो रिप्लेसमेंट है वो भी मैंने आपके साथ शेयर की है कि अक्षर पटेल जो है उन्होंने रिप्लेस कर लिया है रविंदर जडेजा को, वो एशिया कप से बाहर हो चुका है। जय रोहित शर्मा के लिए बहुत बड़ा धचका है, भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा धचका है, भारतीय फैंस के लिए मायूसी है कि रविंदर जडेजा इस मौके के ऊपर बाहर हो चुका है जब उनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी भारतीय टीम को। दोस्तों अगर आपको अपडेट अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना।